स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube मार्केट साइंटिस्ट में। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टाटा पावर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के चार्ट को डिस्कस करें, इससे पहले इसके फंडामेंटल को आप देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इस स्टॉक में क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ होते हुए दिखा है। इस समय इस स्टॉक को यहाँ पे आप टेक्निकली समझ पाएंगे कि किस प्रकार से स्टॉक ने ग्रोथ किया है। यहाँ देखेंगे इस समय स्टॉक में हाईएस्ट एवर टर्न ओवर देखने को FY 2023 में 2022 में देखने को मिला है। उसके साथ ही हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी हमने देखा। यहाँ देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है वो सबसे हाईएस्ट है। साथ में आरओई देखें, यहाँ आप देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे 26% के आसपास का है। और मार्जिन और ईपीएस में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिला है। इसके साथ ही कंपनी में न्यूज देखेंगे। पहला तो ये टारगेट देखिए कि आईसीआईसीआई की तरफ से 258 के टारगेट आए, वो जो इजीली आपको अचीव होते हुए दिखने वाला है। इसके बाद का कुछ न्यूज देखेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। टाटा पावर सेड इट हैज सेटअप अराउंड 450 ओवर 450 चार्जिंग फैसिलिटी, जो कि देखेंगे अक्रॉस मोर देन 350 नेशनल हाईवे पे इसने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे विच इज NH 44 एंड अनदर जो सबसे बिजिएस्ट हाईवे है NH 19। ये दोनों हाईवे भी इंक्लूड है, जिसमें कि टाटा पावर ने अराउंड 350 नेशनल हाईवे पे अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही दूसरा न्यूज देखेंगे, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर, जो कि टाटा पावर का सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इसने कोलेबरेट किया है वन ऑफ द लीडिंग इंडियन स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर बिराज प्रोफाइल प्राइवेट के साथ, जिसमें कि ये 100 मेगावाट कैपेटिव सोलर प्लांट को सेटअप करने का काम करेगी। ये दो न्यूज सुना, इससे पहले का न्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 320 करोड़ के फंड रेज की, जिसका कि कॉमनली जो लोन मिलता है उससे 0.25% चीपर लोन होगा, जिसके ग्रोथ के लिए इसको यूज किया जाएगा। और अब देखेंगे इस स्टॉक में डिलीवरी भी देखें तो अराउंड 30%। और टेक्निकली जहां इस स्टॉक में थोड़ा बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड 1 वीक में दिखा था, वो अगेन देखेंगे कि वो सस्टेनेबल नहीं रहा। यहाँ चार्ट को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ इस स्टॉक में देखें कि 1, 2 और 3, यानी 3 टाइम्स स्टॉक ने 252 के प्राइस को ब्रेक डाउन किया है, डाउन ट्रेंड किया है। इस समय इस स्टॉक में एक देखेंगे कि कंटिन्यूअस ये जो लेवल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्युमुलेशन लेवल, जहां पे स्ट्रांगली बाइंग होते हुए दिख रहा है। इस समय सस्टेन करने की जरूरत है 252 पे। इस समय ये छोटे शेयरों में देखेंगे कि काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। एक फाइनल रेजिस्टेंस 252 का है, और जब तक स्टॉक यहाँ देखिए 236 के ऊपर सस्टेन करता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, व्यू अप ट्रेंड के लिए है। पहला ये गैप डाउन दिखा था, यानी 274 280 तक के लेवल को फिल करते हुए दिख सकता है विद इन मैक्सिमम 1 मंथ के ड्यूरेशन में। और अगर स्टॉक इस लेवल को डाउन करता है तो फिर आपने SL 220 के नीचे के SL को फॉलो करेंगे। इसको अगर डाउन करे 236 को, तो इजिली इस स्टॉक में 220 तक के लेवल दिख सकते हैं। पहला टारगेट 272 280 और दूसरा टारगेट इस स्टॉक में 300 350 तक के श्योरली विद इन मैक्सिमम 3 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।